पुलिसिया कार्यशैली से नाराज एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपने और अपनी पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। खबर सुल्तानपुर से है, जहां 19 सितंबर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिसिया कार्यशैली से नाराज एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपने और अपनी पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। गनीमत यह रही कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक के हाथ से तेल के डिब्बे को छीनकर किसी तरह से युवक को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया व न्याय दिलाने की बात कही। बताते चले कि हाथों में करोसिन के डिब्बे को लेकर अपने व अपनी पत्नी के ऊपर छिड़क रहे इस व्यक्ति का नाम अनिल चोपड़ा है। यह सुल्तानपुर के कादीपुर विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला है। अनिल का आरोप है कि कादीपुर विधानसभा के पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी के बेटे अंगद चौधरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की है, जिसकी सूचना उन्होंने स्थानीय पुलिस को दी थी, पर पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए वो आज अपनी फरियाद लेकर सुल्तानपुर पुलिस कार्यालय पहुंचा था। बताते चले कि वहीं इस पूरे प्रकरण को एसपी सुल्तानपुर शिवहरी मीणा ने गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि युवक को अगर स्थानीय पुलिस से मदद नहीं मिलती थी तो उसे मुझसे या फिर पुलिस महकमे के अन्य बड़े अधिकारी से कहना था। आत्मदाह का प्रयास करना गलत है। युवक की बातों को सुना गया व न्याय संगत कार्रवाई होगी। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट, प्राइम मिटी न्यूज। आज आपको बता दें कि एक युवक के द्वारा कादीपुर कोतवाली में शिकायत करी गई कि कुछ लोग उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके 5,000 रुपये छीन लिए हैं, उनका मोबाइल तोड़ दिया है, उनका कैमरा तोड़ दिया गया है। उसी दौरान दूसरा पक्ष भी थाने पहुंच गया। उसने बताया कि ये तथाकथित फर्जी पत्रकार हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, 15,000 रुपये मांग रहे हैं, साथ ही साथ छवि धूमिल करने की धमकी भी देते हैं। इसी दौरान पुलिस ने दोनों की एप्लीकेशन ले ली और पुलिस ने कहा कि चूंकि एक तरफ डकैती और अन्य गंभीर धाराओं का मुकदमा दर्ज करने की बात थी, दूसरी तरफ भी एक पत्रकार बंधु थे, उनके विरुद्ध आरोप थे, तो पुलिस ने जांचों उपरांत उसमें FIR दर्ज करने के लिए बताया था। चूँकि थाना समाधान दिवस आज चल रहा था तो 2 बजे तक उसमें थाना प्रभारी बैठे हुए थे। उसके उपरांत ये जो युवक हैं ये हमारे ऑफिस आए और ऑफिस आने के बाद में इन्होंने मिट्टी का तेल डाल लिया, लेकिन चूंकि पुलिस कर्मचारी वहाँ पे थे तो उन्होंने तत्काल उनको रोका, पूछा भी। उसके उपरांत मैंने भी अभी उनसे बात करी है तो उनको पूछा कि भाई अगर एक जगह पे शिकायत आपको लग रही थी कि जेन्यून नहीं सुनी जा रही है तो आप CO साहब के पास जाते, एडिशनल साहब के पास जाते, हमारे ऑफिस आए थे तो कम से कम हमारे पास आते। लेकिन उन्होंने ना किसी को शिकायत करी ना कुछ करी है, सीधा घर से ये मिट्टी का तेल लेके आए हैं और यहाँ पे जो आत्मदाह है उसका प्रयास किया गया है। तो हमने अभी इनकी बात सुन ली है, जो FIR है वो पंजीकृत कर दी गई है और इनकी काउंसलिंग भी हमारे द्वारा कर दी गई है। उन्होंने खुद ने माना है कि हाँ उनसे गलती हुई है, क्योंकि जब उनकी सुनवाई अगर एक लेवल पर नहीं हो रही तो दूसरे लेवल पर निश्चित रूप से उसकी सुनवाई होती, लेकिन उनके द्वारा गलती कही गई तो उन्होंने मानी उस गलती को। तो आगे की जो शेष विधिक प्रक्रिया है, मेडिकल इत्यादि हम करवा दे रहे हैं और गुण दोष के आधार पर जो भी कार्रवाई है वो करवाई जाएगी। ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जांच का पार्ट है। उन्होंने भी एक तहरीर हमें इस मामले में दी है जांच के लिए, तो हमने जिला सूचना अधिकारी साहब को वो एप्लीकेशन भेज दी है, उसकी जो जांच होगी उसके आधार पर शेष जो कार्रवाई है वो संपन्न करवाई जाएगी। अभी ये चीज़ चेक करने वाली है, लेकिन निश्चित रूप से ये गलत परंपरा है। हम आपको बता दें कि अगर एक लेवल पर सुनवाई नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से कई लेवल हमने बनाए हैं सुनवाई के लिए। हम कोरोना काल में भी कंटिन्यू 10 से 12 पुलिस ऑफिस में बैठ के जनता की सुनवाई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो भी विधिक कार्रवाई है वो संपन्न करवाई जाए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोई भी हो, पत्रकार हो, आम पब्लिक हो, सब हमारे लिए सम्मानीय हैं, लेकिन अगर एक लेवल पर सुनवाई नहीं हो रही है, जो तथाकथित उनका कहना है, हालांकि इंस्पेक्टर साहब इस मामले में काफ़ी संवेदनशील हैं। अंगद चौधरी, अभिषेक पांडे और अजय सिंह परिहार, 3 लोग और 4-5 लोग मैं नहीं पहचानता हूँ।
अरे भैया ये सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं, आप लोग थोड़ा पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ, खड़े खड़े खड़े, चलिए बाहर।